अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जनता पार्टी का विधि प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ और हमने आज सोशल मीडिया पर वायरल भारत कोई जो ज्ञानेंद्र अवस्थी लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ ग्वालियर के लेटर पेड पर उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को कोई पत्र दिया है और वो पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और उसके अनुसार उन्होंने ये लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार में 50% कमीशन देने पर ही पैसा रिलीज होता है। इस परिस्थिति में उनके द्वारा दिए गए पत्र को कांग्रेस के कमलनाथ जी ने भी पोस्ट किया है, प्रियंका गांधी उन्होंने वाड्रा उन्होंने भी इसको अपने ट्विटर हैंडल पर किया है, तो इसकी शिकायत हमने आज माननीय पुलिस अधीक्षक को की है कि इस प्रकार के जो व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी को की छवि खराब करने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे, इसकी जांच की जाए। ऐसा कोई संघ अगर अस्तित्व में है या ऐसा कोई ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव अगर अस्तित्व में है तो उनकी जांच की जाए। पीड़ित पक्षकार जो है जो उनके सामने है उसके समक्ष दस्तावेज जब्त की जाए और अगर ऐसे कोई संघ और अस्तित्व में नहीं है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इवन कांग्रेस के जो लोग हैं जिन्होंने कि इसको इस पत्र को ट्वीट करके ट्विटर हैंडल पर दिया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए कि ये जान बुझ कर सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में छवि खराब करने के लिए ऐसी भ्रामक खबरें असत्य आधारों पर प्रकाशित कर रहे हैं। इसके संबंध में आज हम सब लोग उपस्थित हुए और हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग की कि संबंध में उचित कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। आपका नाम है साहब? हेमंत शर्मा, जिला संयोजक विधि प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी देवास।